हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग इस समय क्लास 11th की क्लास में हैं और पढ़ रहे हैं जो है केमिस्ट्री पर। हमारा दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पहुँच चुके हैं क्वांटम नंबर्स तक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्वांटम नंबर्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर्स का मतलब कि कक्षा, उपकक्षा तथा कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, तो उसी को पढ़ रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स चार प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स। एनसीईआरटी में बताया गया है कि क्वांटम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसी को दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ML तथा क्या है, MS। तो आइए हम लोग जो है एजीम्यूथल तक देख चुके हैं और आज हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमारे पास मतलब है कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आप लोग भी एनसीईआरटी भैया लोग खोल लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और बिना किताब के कुछ होने वाला है नहीं। आप चाहे जितना वो कहिए कि ऐसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ किताब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता रहे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है। एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है इसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए जो है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अपने सुझाव आप हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब होता है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो स्टार्ट करते हैं, जिनको लिखना होगा वो लिखते रहेंगे और जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि यही आपका मेन है, बाकी कुछ नहीं। तो आइए लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो आपको पहले से ही पता है कि हम लोग इसे किससे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे हम लोग, पहला पॉइंट है कि इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बेटा एकदम हिंदी में है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक का बोध कराता है, कक्षक का बोध कराता है। बेटा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी परमाणु में कई कक्षक होते हैं, क्योंकि ऐसा है कि पहले हमारे पास कोष होता है, फिर उपकोष होता है, और उस उपकोष में हमारे पास क्या होते हैं, कक्षक मतलब ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी कक्षक है, आगे सेल वाले को भी कक्षक कहा गया था। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में ही होते हैं। तो इसलिए जैसे कि हम लोग बायो में पढ़े हैं कि पहले क्या होता है, किंगडम, किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, फिर क्या है, ये हमारे पास वैरायटी तक भी आ गई है। तो इसी तरीके से पहले सेल होता है, फिर सब सेल होता है, और फिर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स मतलब कक्षक होते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यह किसके, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण। फिजिक्स में भी आप पढ़े हैं मैग्नेट वाले में कि चुंबकीय आघूर्ण को स्मॉल m से ही दिखाते हैं। तो क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को
प्रदर्शित करता है। आपकी थ्योरी बहुत ही अच्छी होगी तभी आप जो है न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी ये CBSE बोर्ड के लिए, आपके UP के लिए और आपके NEET के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप NCERT बहुत ही अच्छे से पढ़िए। और NEET के साथ साथ अगर आप JEE मेंस, एयर फोर्स न NDA वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको NCERT किसी भी प्रकार से आनी चाहिए। चलिए, यह कक्षकों के त्रिविमीय, क्या कहेंगे, त्रिविमीय अभिविन्यास को भी प्रदर्शित करता है। यह कक्षकों के त्रिविमीय विन्यास को भी प्रदर्शित करता है। और एक चीज़ इसमें और ज़रूर लिख लीजिएगा, जहाँ पे स्मॉल m लिखे हैं आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अब NCERT में इसे ML भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ML, मतलब ये एक M तो है ही और उसके बाद क्या है, L। तो ML मिलीलीटर वाला नहीं, ये L थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि बताए ना वो इसी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक है ML, ये ML और दूसरे को कहते हैं MS, तो जिसको हम लोग स्पिन कहेंगे। तो इसी को ये भी याद रखिएगा कि इसे अब ML भी कहा जाता है। चलिए, इतना हो गया, कहीं किसी को दिक्कत तो जो है आप ज़रूर देखिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा बोर्ड से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे तरीके से देखेगा। इसको हम हटाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास दो हैं, उसको करेंगे। तो जो हो गया ऊपर वाला हम हटाते हैं, बाकी आप नीचे नोट करेंगे। कहाँ पे ठाकुर साहब, कहाँ दिक्कत है? यह कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। यह कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में बेटा हम लोग लिखेंगे कि देखिए एल के दिए गए मान के लिए, एल के दिए गए मान के लिए एम के कुल मान ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ये न्यूमेरिकल्स में यही ज़्यादा पूछा जाएगा। कृष्णा हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो एल के दिए गए मान के लिए, यहाँ पे देखिए एम के कुल मान क्या होंगे ना, तो एम के कुल मान क्या होंगे, मतलब कुल मान बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तो m बराबर हमारे पास होगा 2L+1, क्या होगा 2L+1। अभी हम लोग इसी में देखते हैं कि 2L+1 ये फार्मूला आप ज़रूर लिखिए, 2L+1 होगा। अब आइए एग्जांपल्स करते हैं बेटा लोग, एग्जांपल्स में ज़रूर देखिए कि अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि L बराबर 1 है, अगर कहेंगे एग्जांपल में कि L बराबर क्या बेटा, अगर कहेंगे L बराबर 1 है या आपको दिया रहेगा L बराबर 1 के लिए, L बराबर 1 के लिए M के कुल मान ज्ञात करिए, कुल मान ज्ञात करने का मतलब है कि कितने मान होंगे। तो हम सूत्र अपना लगा देंगे, m बराबर क्या है 2L+1, तो 2L+1 सूत्र लगाए, बराबर में 2 ये लिखे, l की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि l का मान कितना है 1, गुणित में क्या किए 1, अब बेटा प्लस क्या है 1, तो क्या हो गया 2 एक कम 2 ही होगा, अब प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 3, तो
m अगर l का मान एक है तो m के कुल कितने मान होंगे? तीन। और नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि l बराबर दो है, l बराबर दो है तो m बराबर कितने होंगे, m के कुल मान कौन कौन से होंगे? तो देखो दो, क्योंकि सूत्र अब यही है 2l प्लस 1, बार बार उसको नहीं करेंगे, 2l प्लस 1। तो एक बार चलो फिर लिख देते हैं 2l प्लस 1। आपको l की जगह क्या रखना है? दो। l की जगह क्या रखना है? दो। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू कितना, 2 और प्लस क्या है 1, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। आपको एक मैथ में बता दें एक चीज़ और कि 2 क्या है, जा 2, ये गलत है, जा हुआ कुछ नहीं होता, 2 आर 2 होता है। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो 2 आर 2 जा 2 जा 2 जा होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये होता है 2 न और 2, 2 2 आर कितना होगा, 2 2 आर कितना होगा, 2 2 आर कितना होगा 4, ये गुणा है। तो ये 4 प्लस कितना है 1, इक्वल टू में कितना हो गया 5। तो अगर l बराबर 2 है, अगर l बराबर 2 है तो m के कुल मान कितने होंगे 5, अगर l बराबर 1 है तो m के कुल कितने मान होंगे 3। सूत्र हमारे पास ये फार्मूला है। एक और लिखते हैं कि मान लो हम कह रहे हैं कि l बराबर 3 है, l बराबर 3 है तो m के मान कितने होंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे 2l प्लस 1। तो देखो हमारे पास 2l प्लस 1, आपको बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो याद हो। l की जगह बेटा क्या लिख देंगे 3 और प्लस क्या कर देंगे 1, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 3 6 1 7, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू में 7, तो कितना होगा हमारे पास, वो 7 होगा। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकें और अच्छी अच्छी वीडियो इसी प्रकार से देख सकें। देखिए अभी कुछ मिलता जुलता है नहीं, कहने का बात ये होता है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, वीडियो बनाने की और भी इच्छा होती है। ये ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम लोग हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं ना, उसको पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको और बनाया जाए और अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, रेड कलर से देखिए सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको दाबिए और सब्सक्राइब जब आप दाबेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक बेल आएगी जिसको घंटी कहते हैं, घंटी को दाबिए। घंटी दाबने के बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं ना, ऊपर वाला सबसे ऑप्शन जो आल होता है उसी को दाब दीजिए, तो उससे क्या होगा, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन सूचना मिल जाएगी, आपके YouTube पे आपके Gmail पे क्या है उस चीज़ का संदेश चला जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसको उसी समय तत्काल या जब आपकी इच्छा हो देख सकते हैं। एक दूसरी बात और आपसे कहनी है कि अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ उसको स्किप मत करिए, बार बार देखिए। आपका मन नहीं है इस समय तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वो इंटरनेट पे हमेशा रहती है। वीडियो को अपलोड मत करिए, अपलोड होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको अपलोड भी आपका पड़ा ही रहेगा। तो थोड़ा सा ऐसा करिए कि जब भी इच्छा हो तब देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, कई बार देखिए, लेकिन प्लीज़ वीडियो को बार बार ज़रूर देखिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारे पास है कि अभी तक तो हम ये जाने हैं बच्चों कि कैसे हम जानेंगे कि l के दिए गए मान के लिए m के कितने मान होंगे, कुल मान क्या होंगे, कुल की जगह ये भी आ सकता है कितने मान होंगे। अब हम देखेंगे कि l के दिए गए मान के लिए m के कौन कौन से मान होंगे। अब जैसे यहाँ पे 5 आया है, जैसे यहाँ पे 5 आया है तो हम ये भी देखेंगे कि इस 5 के कौन कौन से मान होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसी पॉइंट को हम हटाएंगे, बाकी आपको लिखा रहेगा ताकि आप ये समझिए कि अगर हमारे पास 5 है तो वो 5 कौन कौन से होंगे। चलिए फिर से निकाल के दिखाएंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आपको किसी भी कोचिंग का किसी भी जगह का स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है नहीं है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लाइन टू लाइन चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी। और किसी भी अब एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो जानते हैं 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, और नीट और जेई के लिए तो कन्फर्म है कि आपको 11th और 12th की
बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आनी चाहिए। आओ बहू आप देखते हैं थोड़ा कि मान लो हम फिर से वही कह रहे हैं कि एम के सभी मान के लिए, अगर हम कहें कि एल के, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल के दिए गए मान के लिए, एल के दिए गए मान के लिए एम के सभी मान ज्ञात कीजिए, सभी मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, हम जानते हैं L के सभी मान के लिए, L के दिए गए मान के लिए M के सभी मान, M के सभी मान। अभी हम लोग पढ़े थे कुल मान या कितने मान होंगे, अब हम पढ़ रहे हैं M के सभी मान। M के सभी मान कौन कौन से होंगे, तो सूत्र लिखेंगे M का मान सभी मान के लिए होगा माइनस L से प्लस L तक। क्या बउआ, माइनस L से प्लस L तक, इसको ध्यान से देखो, माइनस L से प्लस L तक। अभी कृष्णा तुम मार खा जाओगे। M बराबर क्या है, माइनस L से प्लस L तक। तो अगर हम कहेंगे कि L के दिए गए मान के लिए, L के दिए मान के लिए, गए नहीं लिख पाए हैं कोई बात नहीं, चलो L के दिए गए मान के लिए M के सभी मान हमको पता करना है, तो ये क्या हो गया, M बराबर माइनस L से प्लस L तक। अब कुल मान के लिए क्या फार्मूला था, 2L प्लस 1। अब इसमें है कि कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला आप लोग लिखिए, फिर आइए इसी पे एग्जांपल हम लोग करते हैं, हम लोग फिर इसी पे एग्जांपल करेंगे। चलिए ऊपर वाला हटाए हम, क्योंकि एग्जांपल ताकि ऊपर से ही करेंगे। बेटा सब लोग एनसीईआरटी पढ़िए, बायो की भी, फिजिक्स की भी, और क्या है केमिस्ट्री की भी। जब तक आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ लेते हैं, आपका सिलेक्शन न नीट में होगा, न जेई मेंस में होगा, न किसी भी जो है एनडीए में, न किसी एयरफोर्स में, न कहीं भी ऐसा होने वाला नहीं है। और सिविल के लिए तो आप लोग नीट वाले हैं, तो इसलिए जो है 100% आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो चलिए आइए हम करते हैं, अब हम एग्जांपल करेंगे। हमारे पास ये फार्मूला लिखा रहेगा ताकि आप देख लीजिएगा। अगर वो कह रहे हैं कि L बराबर 2 के लिए, L बराबर 2 के लिए, मतलब L बराबर 2 के लिए, मतलब L का मान कितना है 2, L बराबर 2 के लिए M के कुल तथा, देखो इस बार कुल, पहले क्या टोटल निकालना है, कुल तथा सभी मानों की गणना कीजिए। सभी मतलब वो कौन कौन से होंगे, सभी मानों की गणना कीजिए, या सभी मानों के बारे में बताइए, सभी मानों की गणना कीजिए, चलिए बेटा बहुत ही केयरफुली से आपको पढ़ना है। आइए फिर देखते हैं, हमारे पास L बराबर 2, तो हम बोलेंगे कि पहले कुल मान निकालेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कौन कौन से होंगे। तो N बराबर 2 के लिए अभी हम देखे थे कि M का कुल मान निकालने के लिए क्या होगा, 2L प्लस 1, तो इसकी जगह क्या रखे, 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 1, तो ये कितना हो गया 4 प्लस कितना 1, कितना आया 5, ये कुल आया, ये क्या है M के कुल मान, ये क्या हो गया M के कुल मान। M के कुल मान, तो ये हो गया M के कुल मान। जब M के कुल मान हमको पता चल गया कितना है 5, तो वो अब कौन कौन से हैं, इसको देखने के लिए हम लगाएंगे M बराबर माइनस L से प्लस L तक। तो देखो सूत्र में रखो, यहाँ माइनस है, L की जगह क्या रख दो 5, और यहाँ से लेकर के प्लस
प्लस पाँच तक, कहाँ तक? प्लस पाँच तक। तो प्लस है, यहाँ पे क्या लिख दिए? पाँच। देखो ये माइनस एल था तो माइनस पाँच, और से लेकर के कहाँ तक? प्लस पाँच तक, दो बार हो गया प्लस प्लस। तो कहाँ तक बेटा? प्लस फाइव तक मान होगा, प्लस फाइव तक मान है होगा। तो आओ देखते हैं कि प्लस माइनस एल से प्लस एल तक, लेकिन हमारे पास यहाँ पाँच आया है, हम क्या लिख दिए? एम के कुल मान रख दिए, तो ये क्या हो गया? गलत, याद रखिएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत, कि एम के कुल मान करने के लिए हमको माइनस एल से प्लस एल तक लिखना है, माइनस एल से प्लस एल तक लिखना है। तो माइनस एल क्या था? एल बराबर दो, किसी ने नहीं बोला, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं केवल आपको। ये हम m का मान रख दिए, m का मान नहीं रखना है, किसका मान रखना है? l का। भैया कहेंगे माइनस l से प्लस l तक, तो l का मान रखना है ना। कुल मान ज्ञात करने के लिए हमको 2l प्लस 1 लगाना था, तो कुल मान आ गया 5। अब वो कुल मान कौन कौन से होंगे इसको चेक करने के लिए हमको माइनस l से प्लस l तक क्या है? रखना पड़ेगा। तो इसको अब देखिए, ताकि ऐसा मिस्टेक मत करिएगा, इसे चेक पता चल जाता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और शायद वीडियो में बच्चे ध्यान दे रहे हों। आइए, तो ये माइनस है, एल की का मान कितना है? दो, और से कितना है? फिर प्लस, और फिर एल का मान कितना है? दो। तो माइनस दो से प्लस दो तक, तो आओ देखो माइनस दो से प्लस दो तक क्या होगा। माइनस दो संख्या पद्धति में आपने देखा होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ माइनस दो फिर क्या होगा? माइनस एक, फिर क्या होगा? जीरो, फिर क्या होगा? प्लस एक, फिर क्या होगा? भैया माइनस में ताश उस खेले होंगे ना, उसमें देखते हैं अगर माइनस में है, अगर माइनस में है तो माइनस दो माइनस एक न, इतना माइनस हो गए, इतना क्या हो गए? माइनस हो गए। तो माइनस क्या है? एल से प्लस एल तक, तो एल का मान दो, तो माइनस दो से प्लस दो तक, तो क्या आएगा? पहले माइनस दो, उससे ऊपर जाओगे माइनस वन, तब जीरो आएगा, तब प्लस वन, प्लस फिर क्या? प्लस दो। देखो कुल मान कितने हैं? पाँच। अब वो पाँच कौन कौन से हैं? यही देखो, एक ये, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक ये पाँच। आया कि नहीं आया पाँच? हो बताइए यादव जी, आया कि नहीं आया पाँच? बोलिए भैया कितना है? पाँच हो कि नहीं? एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पहले से पता चल गया है कि कुल कितने आएंगे? पाँच। अरे वो पाँच होंगे कौन कौन से, उसको पता करने के लिए माइनस एल से प्लस एल तक काम करना पड़ेगा। अच्छा अभी हम एक बार निकालते हैं, इसको करिए, इसको आप लोग करिए, टाइम मत बेकार करिए। आइए एम के जो है, हम कह रहे हैं कि एल बराबर तीन, एल बराबर तीन के लिए एम के सभी मान, एम के सभी मान। देखो इसमें हम कुल मान नहीं पूछे कौन कौन से होंगे, हम बस पूछे एम के सभी मान ज्ञात करिए। एम के सभी मान का मतलब वो कौन कौन से होंगे, अगर पूछेंगे कितने या कुल, तो आपको 2l प्लस 1, और कहतेंगे वो कौन कौन से हैं या सभी मान ज्ञात करिए, वो कौन, सभी का मतलब जो है, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे बेटा हम? यही वाला, एम बराबर माइनस एल से प्लस एल तक। तो कुछ नहीं लिखेंगे, एल की जगह कितना है? तीन, तो लिख देंगे माइनस तीन, से कितना? प्लस तीन तक, प्लस है एल का मान, फिर कितना है? तीन। सिंबल में भी अगर ऐसे रख दो तो काम हो जाए। तो देखो अब क्या करेंगे, माइनस तीन से जाना पड़ेगा हमको, माइनस तीन, फिर माइनस दो, फिर माइनस एक, फिर क्या है? जीरो, फिर प्लस वन, प्लस वन के बाद प्लस टू, और फिर क्या है? प्लस थ्री। कितने मान हो गए बेटा? देखो सात ठो, तीन इधर, तीन इधर, छः एक सात। और हम लोग अभी निकाले थे कुल मान के लिए कि कुल मान क्या होगा, टू एल प्लस वन, तो वहाँ दो तिहाई छः और प्लस एक सात, कितना आएगा पूरा? सात। और देख लो वो सात के सातों यहाँ पे हैं, वो सात के सातों यहाँ पे हैं, कि ये सात कौन कौन से होंगे। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
हो गया। चलो तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक चीज़ आपको लिखना है कि एल के ही मान के लिए हमको, अगर एल का मान दिया है, हमको तमाम चीज़ें दी हैं, तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो वो अगर हम उसमें नहीं पढ़े हैं अधिकंशी वाले में, तो इसमें पढ़ लेंगे कि थोड़ा सा नोटेशन है, इसीलिए इसका नाम है एम एल, इसीलिए इसका नाम एम एल भी होता है। क्या होता है? एम एल भी होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा नोटेशन करने के लिए, कि हम लोग देख चुके हैं कि थोड़ा सा आप ऐसे बनाएंगे कि एल का मान, एल का मान हमारे पास आपके किताब में है, पेज नंबर है आपका बेटा 55। कौन सा पेज नंबर है? 55। तो उसमें देखिए दिया है कि L का मान है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है, हम कहेंगे कि उपकोष संकेत। ये क्या है? उपकोष संकेत। उपकोष संकेत, उपकोष संकेत का मतलब ऊपर बता चुके हैं एक बार, संकेत नोटेशन क्या है? उपकोष। उपकोष क्या है? संकेत, जिसे हम कहते हैं सबसेल नोटेशन। सबसेल नोटेशन, और उस उपसेल में हम क्या कहेंगे? कक्षकों की संख्या। क्या कहेंगे? कक्षकों की संख्या। अब तो बेटा पूरा हिंदी में है, अब तो समझ में आता होगा ना, कक्षकों की संख्या। उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो गया है केमिस्ट्री, जो बेचारे इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं। तो याद रखिए, आपका पेपर जो है हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी जेई मेंस का होगा। इंग्लिश हाँ ज़्यादा सरल पड़ती है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे? इसलिए हमने एनसीईआरटी को ही दिया है, क्या है, कर दिया है, हिंदी में पढ़ाना चालू कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो है साथ साथ एनसीईआरटी लेके पढ़ते रहिए। बेटा आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आप किस बुक से पढ़े, काहे पढ़े, किताब खोल के क्यों पढ़ रहे थे। बेटा किताब नहीं पढ़ोगे तो और कब पढ़ोगे? किसी की कहानी और स्टोरी, किसी भी टीचर का अपना खुद का कुछ भी बनाया नहीं हुआ होता है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं। हर आदमी कोई पढ़ता है तब पढ़ाता है, और बिना पढ़े जो पढ़ेगा नहीं वो पढ़ा नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि यही रियलिटी, यही वास्तविकता, यही सच्चाई है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। किसी भी कोचिंग का हाई फाई जो है नोट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे लाख 1.5 लाख रुपए दे के फीस जमा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में ना, और यूट्यूब पर अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी करिए, और जो है अनसॉल्व करते रहिए, सॉल्व पेपर आए हुए पुराने पेपर्स को सॉल्व करते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, उतनी आपको प्रैक्टिस होगी, आपको भले सब कुछ याद रहे, और अगर आपने क्या है क्वेश्चंस नहीं किया है, तो आपको एक्सपीरियंस न होने की वजह से आपका टाइम वेस्ट जाएगा, और आपका जो है सिलेक्शन एक साल के लिए फिर से रुक जाएगा। तो उससे क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होती है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यही आपको देखने के लिए हम भी एकदम पूरा बनाएंगे उसको, कि ताकि आपको चीज़ें जो है भली भांति अच्छे से समझाई जा सकें। और प्लीज़ एनसीईआरटी ले लीजिए जिन्होंने अभी तक ना लिया हो। अच्छा, कुछ लोगों से ना दिक्कत यही है कि हाथ पैर सलामत नहीं रहता, क्या करोगे? घोड़े और गधे वाली स्टाइल है, और पढ़ने के लिए जो है थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाते रहते हैं। तो जब तक हम उसको बना रहे हैं, तब तक वो सोच रहे हैं चेयर सर थर सर का लें, हम वो कर लें, हम वो कर लें, तो अच्छी बात है। वैसे भी गाना भी बना है, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त तुम, ये दिल तुम्हारे प्यार। आइए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अरे ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं भैया, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं।
ताकि ये चीज़ें आपको भली भांति याद रहे। थोड़ा सा इस तरीके से आप अपने कॉपी में नोट्स में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो भी बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो किताब में ये साफ साफ दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप किताब पढ़ते हैं, किताब का मतलब सिर्फ NCERT, तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस हम लोगों का काम है उसको एक्सप्लेन करना, और इसी NCERT से लोग 50 थप्पा जमा के आपको देते हैं, पूरा सा पूरा पोथी पत्रा बना देंगे कि ये नोट्स लो, वो लो, ऐसा लो, बस इसी को जो है एक्सप्लेन करके। तो हम चाहते हैं कि अगर आप उस चीज़ को सीधे सीधे किताब से ही पढ़ लेते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है, तो आपको अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग चालू करते हैं अपना काम। पहली बात हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा है, देखेंगे पूरा का पूरा है। चलिए, एल का मान किसके लिए, हम कहेंगे ये उपकोष है, उपकोष संकेत। अगर यस है, ये क्या है, पी है, ये हमारे पास क्या है, डी है, ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास क्या है, जी है, ये हमारे पास क्या है, एच है। उपकोष को इसी तरीके से दिखाया जाता है, एस पी डी एफ। जो हम के एल एम एन पढ़े थे वो बेटा सेल थी, उन सेल्स के अंदर ये होती हैं क्या, सब सेल्स। सब सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उपकोष, एस पी डी एफ जी एच। तो अगर ये एस है तो एस का मान एल के लिए, एल के लिए एस का मान कितना होता है, 0। ठीक, एस के लिए एल का मान कितना, 0। पी के लिए 1, डी के लिए 2, बोलिए, एफ के लिए 3, और जी के लिए 4 ना, और एच के लिए हमारे पास क्या है, 5। ये हमारा जी है बेटा। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5। अब आते हैं कि एस में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। एस में केवल एक कक्षक होगा, केवल एक कक्षक हम ये बना रहे हैं। देखो एक ऑर्बिट्स, ये इसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी में कितने कक्षक होंगे बेटा, 3, कितने, 3। देखो ये हम 3 बना रहे हैं, एक कक्षक, और ये 1, 2, 3 कक्षक। डी में कितने होते हैं, 5, तो यहाँ थोड़ा नीचे बना रहे हैं, डी क्या क्या है, 5, ताकि 5 बन जाए। कितने कक्षक, 5, 1, 2, 3 हमारे पास, और मान लो ये यहीं पे कर दें छोटा सा दिखाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये एस का कक्षक है, ये बेटा पी कक्षक है, ये क्या है, डी कक्षक, मतलब डी में 5। एफ में हमारे पास कितने होते हैं, 7। एफ में हमारे पास 7 होंगे, तो देखो एफ का यहीं पे बना दे रहे हैं, कितने होते हैं, 7, मतलब कुल मिला के ऐसे 7 कक्षक आपके पास होंगे। 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, 1, 2, 3, 4, हम लोग इसको क्या, 5, 6, एक ठो और क्या, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कक्षक। इसी प्रकार से जी में आएंगे तो कितने कक्षक, 9। इसी प्रकार से उसमें जाएंगे कितने, 11। तो ये बढ़ता रहेगा, ये क्या है, दो दो करके बढ़ता रहेगा। तो अब इसको 9 यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 9 बना लीजिएगा, यहाँ पे 11 है हमारे पास, क्या है, 11 बना ले। हम 7 यहाँ तक बनाए कि हमारे 7 तक में ही, इसी में 118 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसी में 118 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हमारा सिंबल था, तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हमको बस थोड़ा सा देखना है कौन सा एस, क्या है, एस वाला देखना है। आपको इसको नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी किताब में है, और अच्छी तरीके से बस हमको समझाना था। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा, बताइए, जिसको अब हम कहते हैं एस, जिसको हम लोग कहते हैं अब एस। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सी चौथी क्वांटम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। हिंदी में इसको चक्रण या प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। ऐसा कि पहले NCERT में बताया गया है शुरुआत में ही कि पहले 3 ही क्वांटम संख्या की ज़रूरत है, मुख्य रूप से 3 ही होती है, N, L, M।
तो एम को ही उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था, एम एल, जिसे को हम क्या कहते हैं, केवल एम कह सकते हैं, और ये चौथी जो है हमारे पास एम एस, जिसको हम लोग केवल एस भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइए देखिए कि 1925 में, 1925 में ना, उहलेन बैक, क्या इनका नाम है, उहलेन बैक, एंड क्या है, सैमुअल गाउड स्मिथ, सैमुअल गाउड स्मिथ, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने, क्योंकि पहले के बारे में नहीं बताया गया है, दूसरे के बारे में नहीं बताया गया है, तीसरे के बारे में नहीं बताया गया कि किस साइंटिस्ट ने दिया है आपके सिलेबस में, चौथी में जो है के बारे में ये पक्का बता दिया गया है कि इसको 1925 में हमारे पास किसने, उहलेन बैक, और क्या है, सैमुअल गाउड स्मिथ ने दिया था। तो ये आपसे ये पक्का पूछा जाएगा, पक्का पूछ लिया जाएगा कि इसको किसने दिया था, आपकी एनसीईआरटी में है, आप इसको जो है ज़रूर से ज़रूर क्या करिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसको जो है ने चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति की उपस्थिति प्रतिपादित की कि चौथी की भी जरूरत पड़ती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एम एस, एम एस से प्रदर्शित करते हैं, एम एस से प्रदर्शित करते हैं। और हम आपको बताए हैं कि अगर आपको एम एस ना मिले तो ये क्वांटम संख्या स्पिन कौन सी है, एस, कौन सी है, एस, तो इसे एस से भी प्रदर्शित करते हैं, क्या कहेंगे, एस से भी प्रदर्शित करते हैं, मेन चीज यही है, एस से भी प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, ये क्या बताता है, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे के पॉइंट्स लिखें। चलिए, अब आप तक लिख चुके होंगे, तो आइए हम देखते हैं कि ये करती क्या है। ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है, इसलिए नाम ही है चक्रण, नाम ही है चक्रण, क्या है ये, है हमारे पास नाम ही है चक्रण, तो हम कहते हैं इसे चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है, यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का बेटा मतलब ये है कि अर्थात हमारे पास, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त को हम लोग कहते हैं अपवर्ड, क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड है कि वामावर्त, क्या है, वामावर्त, वामावर्त जिसे कहेंगे डाउनवर्ड, क्या है, डाउनवर्ड है। यह कक्षकों में क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो दक्षिणावर्त, अपवर्ड है मतलब ऊपर की तरफ है, कि डाउनवर्ड, वामावर्त नीचे की तरफ है। आइए देखते हैं, हम कह रहे हैं कि ये मान लो कक्षक है, ये एस का कक्षक है, इसमें एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये एक अगर इसे सीधा है तो इसे कहेंगे दक्षिणावर्त, क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया नीचे की तरफ तो उसे क्या कहेंगे, वामावर्त, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी वामावर्त होगा जब पहला दक्षिणावर्त भरा रहेगा तब, नहीं पहला इलेक्ट्रॉन सीधे ही सीधे होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कौन सा, अपवर्ड बेटा, अपवर्ड ऊपर की तरफ मतलब दक्षिणावर्त, और ये कौन सा है, डाउनवर्ड मतलब इसकी मुंडी किधर है, नीचे की तरफ, इसे हम कहते हैं वामावर्त। इलेक्ट्रॉन अभी आगे आप सब पढ़ेंगे हुंड का नियम कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, उसके बाद विपरीत चक्रण के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो देखो ये कैसे सीधा भरा जाएगा इसे, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसी कक्षक में तो कैसे भरा जाएगा, ऐसे उल्टा, तो ये हुआ अपवर्ड, ये हुआ डाउनवर्ड।
इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, इसी को कहा जाता है वामावर्त। अब अगर दक्षिणावर्त है तो डाउनवर्ड दक्षिणावर्त के लिए, मतलब अपवर्ड के लिए, यहाँ से बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्ड के लिए, अपवर्ड अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो, सीधा है तो, उसका मान हमारे पास क्या होगा, एस के लिए प्लस हाफ, एस के लिए प्लस हाफ। अपवर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है ऐसे सीधे तो, देखो ऐसे सीधे तो उसके लिए एस का मान क्या होगा, प्लस हाफ। अगर डाउनवर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है ऐसे, तो इसका लिए क्या होगा हमारे पास, एस का मान हाफ होगा, मतलब ये चौथी क्वांटम संख्या के लिए माइनस हाफ होगा। क्या होगा बेटा, माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो एस का मान कितना आएगा, प्लस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो उसका मान कितना होगा, माइनस हाफ होगा। तो बेटा बस आपको जो है इसमें इतना ही पढ़ना था। आपको जो है हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो को एक बार में ना देख पाएँ तो जो है कई बार देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, बिना अपलोड किए देखिए, ताकि उससे क्या हो, व्यूज़ जो है का टाइम बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि और ही ज़्यादा वीडियो पब्लिश होती है, डाउनलोड कर लेने से व्यूज़ का फिर टाइम नहीं बढ़ता है, तो वीडियो की जो होती है टाइमिंग वो कम हो जाती है। तो एक बार में नहीं, जब भी आपका टाइम हो तब देखिए और 100% एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ते रहिए। देखिए हम आपको कुछ बताने वाले हैं अभी कि पेज नंबर 55 में जो संक्षेप में दिया गया है वो भी आपको पढ़ना है। संक्षेप में है कि हमारे पास, संक्षेप में यह कह सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित जानकारियां देती हैं। पहला बात है जैसे एन कोश को बोध कराती है, यह कक्षक का आकार और काफ़ी हद तक ऊर्जा का निर्धारण भी करती है। मतलब जिस चीज़ को हम आपको पढ़ा चुके हैं वही चीज़ें पॉइंट्स में यहाँ पे दे दे रहे हैं, इसलिए साफ साफ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए मेरे पास खुद की एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको शो ऑफ नहीं करना है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है। हम लोगों का काम है उसको अच्छे से पढ़ाना, टीचर के लिए एनसीईआरटी है, स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी है, टीचर उसको पढ़ाए एक्सप्लेन करे। दूसरा आते हैं कि एंथ कोश में उपकोशों की संख्या क्या होती है, तो एल कक्षक की आकृति न बताता है, कक्षक की आकृति को बताता है। पहले हम बोल चुके कि हमारे पास वो कक्षा को बताता है, तो ये कक्षक की आकृति को बताता है, वो आकार को बताता था। प्रत्येक प्रकार के उपकोश में क्या है, 2L+1 कक्षक होते हैं, तो देखो कक्षकों की संख्या तो वही कहेंगे दिए गए मान के लिए m के कुल कितने मान हैं, तो यही m मतलब कक्षक को दिखाता है, तो l के 2L+1 होंगे। हमारे पास प्रत्येक उपकोश में 2L+1 कक्षक होते हैं। अगर l बराबर 2 है तो उसमें उपकक्षक कक्षक कितने होंगे, 5। अगर l बराबर 3 है तो उसमें कक्षक कितने होंगे, 7। देखो कौन कौन से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रत्येक उपकोष में यस कक्षक क्या है, एल जीरो, एल बराबर क्या है, 0। प्रत्येक उपकोष में यस कक्षक क्या है का मान, जो यस कक्षा है, कक्षक है, उसमें 0 न, 3 में हमारे पास 1, और क्या कहते हैं अगर डी 5D है तो एल के लिए मान 2, और हमारे पास कुछ बहुत से इलेक्ट्रॉनों की कक्षक की ऊर्जा का भी निर्धारण करता है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है। लास्ट में है कक्षकों की संख्या उनके अभिविन्यासों के तरीकों के बारे में भी बताती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, और जो है वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए।